हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सूजी का बेहद आसान और नया नाश्ता। गारंटी आपने ऐसा नाश्ता ना कभी खाया होगा ना कभी देखा होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी सबसे पहले। तो इसके लिए मैंने लिया है सेमोलिना। सेमोलिना यानी सूजी, कुछ लोग इसे रवा भी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये आपको महीन वाली लेनी है। अगर आपके पास मोटी वाली हो तो मिक्सी जार में डालकर उसको महीन कर लीजिएगा। तो मेरी थोड़ी सी मोटी वाली है तो हम सबसे पहले इसे महीन करेंगे। तो एक छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे और उसके अंदर अपनी सूजी को ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह से ट्रांसफर कर लेंगे और अब हम इसे कवर करके इसका पाउडर बना लेंगे, यानी इसको फाइन कर लेंगे। तो चलिए फाइन करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, कुछ और भी नहीं डालना है, सिर्फ सूजी को डालकर इसका पाउडर बनाना है। तो चलिए पाउडर बनाकर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसका पाउडर बना लिया, देखिए बिल्कुल फाइन कर लिया है और आपको भी फाइन करना है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो बर्तन में निकालेंगे नहीं, सॉरी, चलते हैं गैस की तरफ। निकालने की जरूरत नहीं है, चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड, आ गए हैं गैस की तरफ और एक पैन रख दिया। अब इसमें हम एक चम्मच तेल डालेंगे, ज्यादा तेल नहीं डालेंगे, और इसे अच्छे से हीट कर लेंगे। जैसे ही हमारा तेल हीट होगा हम इसमें डालेंगे गार्लिक। तो गार्लिक को बिल्कुल महीन महीन चॉप कर लेना है, दो कलियां हैं, और इसको हम डालकर अच्छे से थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। तो हम इसमें डालेंगे जीरा, आधा चम्मच जीरा डाल के तड़कने देंगे। और अब इसी के साथ हम इसमें एक कप पानी ऐड कर देंगे। और अब इसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला और दो से तीन चुटकी हल्दी। ज्यादा हल्दी नहीं डालनी, बस इतनी हल्दी काफी है। और अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से मिला लेंगे और अब इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे, यानी पकने देंगे। जितना अच्छे से ये पकेगा उतना ही बढ़िया टेस्ट होगा। तो अब इसे हमें पकने देना है एक से दो मिनट। तो फ्रेंड, अच्छे से बॉईल आ गया है। अब हम अपना पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा, और इसे अच्छे से चलाते जाएंगे इस तरह से। एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और इस तरह से फिर ऐड करेंगे। और इस तरह से हमने दो बार में इसे ऐड किया है। अब इसे हम अच्छे से तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए इसमें बाइंडिंग आना शुरू हो चुकी है और इसमें पानी बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो चलिए पहले इसे ठंडा कर लेते हैं, इसे उतार कर रख देते हैं। तो फ्रेंड, इसे बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा करना है कि हम इसे छो पाए। तो चलिए तब तक एक अमेजिंग सी चटनी आपके साथ शेयर कर देते हैं जो इस नाश्ते के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए चटनी बना लेते हैं और आप इसे 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड, आ गए हैं गैस की तरफ और एक पैन रख दिया। पैन अच्छे से जब गर्म हो जाएगा हम इसमें एक बड़ा चम्मच सौंफ डालेंगे, जो मोटी वाली सौंफ होगी। और सौंफ डालने के बाद अब हम धनिया डालेंगे साबुत, जो एक बड़ा चम्मच है साबुत धनिया। आधी कटोरी हम इसमें डालेंगे कच्ची मूंगफली, जो वेट ने बताऊं तो 30 ग्राम है। और अब इसमें हम डालेंगे तिल। तो व्हाइट वाले जो तिल होते हैं वो हम 4 चम्मच तिल डालेंगे इसके अंदर। अगर आपके पास व्हाइट वाले ना हो तो आप ब्लैक वाले भी डाल सकते हैं। तो मूंगफली और तिल की बहुत ही अमेजिंग सी चटनी बनाने वाली हूँ। तो अब हम इसको धीरे धीरे बिल्कुल अच्छे से रोस्ट करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, लो फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे। तो फ्रेंड, धीमे धीमे हम भूनने हैं। अब इसमें हम डालेंगे एक खड़ी लाल मिर्च, एक ही डालनी, ज्यादा नहीं डालनी क्योंकि काफी तीखी होती है। और अब हम इसे धीमे धीमे कलर आने तक भूनेंगे एक से दो मिनट। तो फ्रेंड, दो से तीन मिनट बाद देखेंगे कि तिल्ली हमारी अच्छे से भुन गई है और इस तरह से चट्टे चट्टे करने लगी है। तो अब इसमें हम 3 कलियां लहसुन की डालेंगे और एक हरी मिर्च डालेंगे, क्योंकि हमने लाल मिर्च डाली है तो एक ही हरी मिर्च डालेंगे। अब हम 1.5 इंच का अदरक ले लेंगे, जो इतना बड़ा है, और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके और इसके ऊपर की जो स्किन होती है निकाल दिया है। और अब हम इसको धीमे धीमे इस तरह से बिल्कुल अच्छे से, देखिए तिल का कलर चेंज हो चुका है और इस तरह से चट्टे चट्टे होने लगी। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो चलिए ठंडा कर लेते। तो फ्रेंड, इस तरह से रख दिया। अब इसे हम अच्छे से ठंडा करेंगे, फिर इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी जो ऊपर वाली डंठल है इसको हम निकाल लेते हैं और अब इसे ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अब ये ठंडी हो चुकी है, अब इसे हम देखिए छू पा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक मिक्सी के जार में छोटे आले में ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह से हम ट्रांसफर कर लेते हैं और ये बिल्कुल जब ठंडी हो जाएगी तभी आपको ट्रांसफर करना है इसके अंदर। अब इसे हम रख देते हैं साइड में और अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड, थोड़ा सा पानी, आधा कप ऐड करेंगे, ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि हमको इसकी थिक चटनी चाहिए।
और अब इसमें एक चीज और डालेंगे। तो फ्रेंड अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश हरा धनिया ढेर सारा, और इसी के साथ अब इसमें हम डालेंगे गुड़। तो अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन एक चम्मच डालिएगा। और गुड़ डालने तो इतना गुड़ काफी है, क्योंकि गुड़ काफी मीठा होता है। और अब हम इसको कवर कर देंगे और इसे अच्छे से स्मूथली पीस लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने पीस लिया है, देखिए कितना स्मूथ तरीके से पीसा है। अब मैं इसे इस वाले बर्तन में निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से निकाल लिया, इसमें इतनी अच्छी स्मेल आ रही है कि इसकी स्मेल से सभी लोगों को पता चल जाएगा कि आपने कुछ ऐसा बनाया है जिसमें तिल्ली और मूंगफली का इस्तेमाल करा, क्योंकि इसकी स्मेल से पूरा किचन महक जाएगा। अब इसको हम और स्पेशल बनाएंगे, इसमें तड़का लगाएंगे। तो चलते गैस की तरफ। तो फ्रेंड देखिए हम आगे गैस की तरफ, और मैंने एक कड़छी में रखा है 2 चम्मच तेल। तेल को हम बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे और बहुत ही आसान तड़का लगाएंगे, कुछ ज्यादा चीजें नहीं ऐड करेंगे। तो तेल देखिए हमारा गर्म हो चुका है काफी अच्छे से। तो हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच सिर्फ जीरा डालेंगे और जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे। और अब हम इस पे लगा देंगे तड़का। तो ये बेसिकली जीरे के तड़के से बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो जीरा आपको अच्छे से लाल करना है। तो देख लीजिए हमारा जीरा कितने अच्छे से लाल हो गया है और कितनी बढ़िया चटनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो चटनी को चलिए कर दे। तो ये चटनी आप 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इसका जो टेस्ट है बहुत ही यूनिक है, इसमें बहुत ही ज्यादा फ्लेवर है, मीठा भी है, खट्टा भी है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो देखिए चटनी हमारी कितनी खूबसूरत हो गई है। इसे साइड में कर देते हैं और चलिए आगे का काम देखते हैं। तो फ्रेंड चटनी को साइड में रख देते हैं और आइए अब इसे चेक कर लेते हैं। ये इतना ठंडा हो गया है कि हम इसे छू पा रहे हैं। तो देखिए आराम से बाइंडिंग आ रही है। और अब हम इसे एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से बड़ा सा बर्तन लेना है आपको, ताकि आपको इसे अच्छे से मैश करते हुए मिले, यानी हाथों से घूमते हुए। तो अब हम इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे इसको। तो फ्रेंड अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। तो ये हल्का सा गुनगुना होगा तभी आपको ये काम करना है। तो देखिए जब आप इसे मिलाएं तो आपको इतनी गर्माहट लगे कि आपका हाथ बर्दाश्त कर पाए, और अगर आप इसे ठंडा हो जाने देंगे तो अच्छे से मिलेगा नहीं। तो नहीं बिल्कुल नाप के डाला था, तो इस तरह से ये डो के फॉर्म में आ गया है। अब इस करेंगे जो आपको जरूर ऐड करनी है, वो है हमारा बॉईल किया हुआ आलू। तो आलू की जो मात्रा है वो केयरफुली देखिएगा, क्योंकि हमने एक मीडियम साइज का आलू को उबाल कर बॉईल करके हाथ से मैश कर लिया है। आप चाहे वेट भी कर सकते हैं, बस एक आलू काफी है। ये वेट नहीं बताऊं तो 20, और इतना बड़ा आलू था, बस मीडियम साइज का इस्तेमाल करना है। और इस तरह से हम आलू डालकर इसे अच्छे से मैश करेंगे ताकि सारी चीजें अच्छे से मिल जाए। तो चलिए मिला लेते हैं, और एक आलू से ज्यादा आपको नहीं डालना है, नहीं तो आप इसे बना नहीं पाएंगे। एक आलू इसलिए डालेंगे ताकि ये कुरकुरा हो। और अब हम दोनों चीजों को अच्छे से मिला मिलाकर, यानी इस तरह से आटे के फॉर्म में गूंद लेंगे। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसे, और ये काम आप जितनी जल्दी कर पाएंगे उतनी ही आपकी रेसिपी जल्दी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए फटाफट हम मिला ले रहे हैं, तो हो गई है रेडी। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों को पहले वॉश कर लेंगे, फिर आगे काम करेंगे। तो चलिए हाथों को वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड हाथों को अच्छे से वॉश करने के बाद हम लेंगे और इसके हम इस तरह से छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे, 1, 2, 3। तो 3 हमने बना लिया, अब इसे हम रख लेंगे। और अब इसे साइड में रखकर तो हम एक ले लेंगे और इसे इस तरह से गोल करेंगे अच्छे से, और इसको हम थोड़ा सा सूखे आटे में कवर कर लेंगे। तो ये मेरा नॉर्मली गेहूं का आटा है, आप चाहे तो इसे मैदे में भी कोट कर सकते हैं, लेकिन मैदा बहुत सारे घर में अवेलेबल नहीं होता है, तो गेहूं का आटा तो हर घर में पाया जाता है। अब इसे हम रोल आउट करेंगे, ख्याल ये रखना है कि इसे पतला नहीं बेलना है। तो इस तरह से हमें हल्का सा मोटा रखना है। तो देख लीजिए इसकी जो थिकनेस है वो इतनी है, इतना होना चाहिए आपका। इसी तरह हम अपने तीनों बेल लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड तीनों बेल लिया है, अब हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे तो इस तरह से ले लेना है। और नॉर्मली हर घर में हींग खाई जाती है, तो हींग के हम ढक्कन लेंगे और इससे इस तरह से कट करेंगे और इसे निकाल लेंगे। और अब हम हींग का छोटा वाला ढक्कन लेंगे। तो बड़े साइज और छोटे साइज वाली हींग का ढक्कन लेकर मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे किसी और ढक्कन से भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये निकल गया, देखिए कितना क्यूट लग रहा है। इसी तरह हम अपने सारे बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, सॉरी क्यूट लग रहा है। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से प्रेस किया मैंने और निकाल लिया। और अब हम क्या करेंगे, छोटे वाले ढक्कन को बीच में रखेंगे और बिल्कुल बीचों बीच में, और इस तरह से अच्छे से प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हम बनाकर आपको दिखाते हैं लास्ट में।
तो फ्रेंड इस तरह से मैंने बना लिया। आप चाहे तो इसे फ्रिज में लगा के स्टोर भी कर सकते हैं, जब आपके मेहमान आए तब आप इसे फ्राई कर लीजिए या फिर शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ और बनाते हैं। तो देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं, बाजार जैसे लग रहे हैं और आप इसे खाकर बाजार का नाश्ता भूल जाएंगे। तो चलते गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ और एक कढ़ाई रखी, कढ़ाई में हमने तेल रखा था। कढ़ाई आपको जो भी इस्तेमाल करनी थोड़ी सी हैवी वेट होनी चाहिए। तेल को हम हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद कढ़ाई को यानी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इस तरह से डालेंगे। तो अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप एक बार में ज्यादा फ्राई कर सकते हैं, अगर छोटी है तो एक बार में कम से कम फ्राई की। तो इस तरह से मैंने डाल दिया है इसमें, तो ये देखिए अब ज्यादा हम नहीं डालेंगे और अब इसे हम पकने देंगे, बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। एक से दो मिनट बाद हम इसे टर्न करेंगे। तो फ्रेंड एक मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम टर्न कर देंगे। तो देखिए कितने कुरकुरे हो गए हैं और इस तरह से हम इसे छोटे चम्मच की सहायता से टर्न कर देंगे। अब इसे हम दो मिनट और पकाएंगे, तो मुश्किल से इसे बनने में चार मिनट लगता है और बहुत ज्यादा कुरकुरे बनते हैं। तो फ्रेंड दो मिनट बाद हम इसे 10 सेकंड हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि अच्छे से कुरकुरे हो जाए। तो देखिए बहुत ही कम तेल सोखते हैं और कितने ज्यादा अच्छे से बनकर रेडी हो चुके हैं। तो इस तरह से देखिए रेडी हो गए, अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए डन हो गए, अब इसे थोड़ा सा साइड करेंगे और इसे हम ठंडे में रख लेंगे। तो फ्रेंड देखिए कितने कुरकुरे बने हैं, बहुत ही कम तेल सोखते हैं। अब इसे हम निकाल कर रख लेते हैं और बाकी बचे हुए हम इसी तरह बनाएंगे। तो दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को गर्म करना है और इस तरह से डालते जाना है और शुरुआत में बिल्कुल भी चलाना नहीं है। तो इसी तरह जैसे हमने पहले वाला बनाया था उसी तरह हम ये दूसरा वाला बैच भी बनाकर फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए फटाफट डाल देते हैं इस तरह से और बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। तो फ्रेंड कुरकुरे बने हैं और इस तरह से जब हम प्लेट में डालेंगे तो कितनी अच्छे से आवाज आ रही है। तो ये देखिए बनकर रेडी हो चुका है, बाकी मैंने रख दिया है, मैं बाद में बनाऊंगी। तो देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है नाश्ता, और आप इसे बच्चों को देंगे तो वो खुशी से पागल हो जाएंगे और आपका बहुत ज्यादा प्यार करेंगे क्योंकि आपने उनके लिए इतना खूबसूरत नाश्ता बनाया है जो आप एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो देखिए कितने कुरकुरे और करारे बने हैं, देख सकते हैं जितना लुक इसका ज्यादा खूबसूरत है उससे ज्यादा ये करारे हैं। ये देखिए कितने करारे हैं, और इस चटनी के साथ अगर आप खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। अगर आप इसे इस चटनी के साथ नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसे केचप के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। तो नाश्ता पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो मैं इसे इस चटनी के साथ एंजॉय करने वाली हूँ, आपको जिस मिट्टी के साथ खाना हो आप बेधड़क खा सकते हैं क्योंकि टेस्ट आपका है। अगर आप इस चटनी के साथ खाएंगे तो आपको और मजा आ जाएगा। तो ये चटनी 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं हो सकती है। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करने वाली हूँ, देखिए इसका फाइनल लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।